नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे अफ्रीका T20 कॉन्टिनेंट कप जहां पे खेला होगा केनिया वर्सेस रवांडा, उस मैच के बारे में इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप अगर वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, क्या ये मैच वन साइडेड है? यस, ये मैच वन साइडेड है इन फेवर ऑफ केनिया। ठीक है, केनिया के फेवर में वन साइडेड मैच है। केनिया का होम ग्राउंड पे भी मैच होगा। इन दोनों के बीच जब हेड टू हेड हुआ था, 9 विकेट से केनिया विन किया, लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, उसका भी रिकॉर्ड मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इन्होंने डोमेस्टिक में जो T20 टूर्नामेंट खेला उसका भी रिकॉर्ड आपको मिलेगा इस वीडियो में, सॉरी T10 टूर्नामेंट, और बहुत कुछ मिलेंगे वीडियो में। ध्यान से गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से देखोगे तो आप एक बेटर टीम बहुत इजीली खुद क्रिएट करोगे। बट स्टिल मैं आपको फाइनल अपडेट प्रोवाइड करूंगा, और इसके बाद जो बोत्सवाना वाला मैच होगा उसके भी कवरेजेस मिलेंगे इसी चैनल में। तो गाइस, आप अगर चैनल में नहीं हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हुए फटाफट ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस मैच के रिलेटेड फाइनल अपडेट एंड डेमो टीम प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिंक है। सिर्फ लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो पाओगे, क्योंकि चैनल है प्राइवेट, स्पेशल बंदों के लिए, सबके लिए नहीं, फेक यूजर के लिए नहीं, जेन्युइन यूजर लोगों के लिए आपको चैनल अवेलेबल रहेंगे, और फ्री का चैनल है। फटाफट ज्वाइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन वाले लिंक से टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। होप आपको वीडियो बहुत मजा आएगा। बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, ध्यान से वीडियो देखना और उसके बाद फीडबैक अपना जरूर देना। नैरोबी जिमखाना क्लब ग्राउंड नैरोबी पे होगा ये मैच, जहां पे कुल मिला के 10 मैचेस हुआ। केनिया का होम ग्राउंड है। केनिया ने 9 मैच खेला, 4 बैट फर्स्ट ने विन किया, 6 बार चेजिंग ने विन किया। केनिया वोन 4 out of 9 times। इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है? 2 बार इन्होंने नेपाल को, 2 बार इन्होंने स्कॉटलैंड को हराया इसी ग्राउंड पे। स्कॉटलैंड एंड नेपाल टीम मेरे हिसाब से बहुत बेटर टीम है, उनके अगेंस्ट केनिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो डेफिनेटली केनिया एक बेटर परफॉर्मेंस, स्पेशली इनके होम ग्राउंड में ये करते हैं। दोस्तों अनडाउटेडली इन्होंने कुछ मैचेस हारा, बांग्लादेश के अगेंस्ट हारा, पाकिस्तान के अगेंस्ट हारा, हारेंगे नॉर्मल बात है, बट इन्होंने अच्छा फाइट भी किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मिल लेंगे, न्यूट्रल विकेट, शॉर्ट बाउंड्रीज, ये तो छोड़ो, ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे एवरेज स्कोर 140 के करीब बनेगा। केनिया रवांडा मैच है, तो केनिया बैट फर्स्ट करेंगे, 140 से 160 बन सकता है ये 160 स्कोर, बट रवांडा बैटिंग करेंगे फर्स्ट, तो मुझे लगता है 120 के करीब बनना चाहिए। इससे ज़्यादा बनेंगे मतलब केनिया ने बहुत ख़राब बॉलिंग किया, ये 100 से 120 के करीब होगा इफ रवांडा बैट फर्स्ट। ठीक है, रवांडा का इंटरनेशनल में रैंकिंग है 67, इंटरनेशनल रैंकिंग मतलब ICC में T20I रैंकिंग है 67। ओके, प्रोबेबल टॉप ऑर्डर में यहाँ पे ओपन करते हुए मोस्ट प्रोबेबली दिख सकते हैं ऑर्चिट, ऑर्किड, इत्वी सेंगे एरिक के साथ, उसके बाद दीदियार आ सकते हैं, उसके बाद विल्सन नीटंगा, उसके बाद क्लिंटन, इनके एक बड़े प्लेयर्स नहीं खेले दोस्तों, नाम बहुत बड़ा है तो मैं प्लेयर का नाम भी भूल गया, अगर खेलता है इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ये जो टीम है उतना स्ट्रांग नहीं है, बैटिंग ऑर्डर में स्लाइट चेंजेस हो सकता है, बट आई थिंक यही बैटिंग ऑर्डर इनका होना चाहिए। इस टीम से ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा? मार्टिन अकायुजे इराक और दोस्तों एरिक करते हुए दिखेंगे पावर प्ले में बॉलिंग। पूरा नाम मेरे से लिया नहीं जा रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। डेथ में ध्यान दो, डेथ में क्लिंटन अकायुजे, दोस्तों ये जो अकायुजे है ना, इस टीम का प्रमुख बॉलर में से एक है। मियो, एरिक मियो दोस्तों डेथ में करेंगे, इग्नेस भी डेथ में कराएंगे, ये 4 बॉलर, इनमें से ये बंदा जरूर डेथ में कराएगा और एरिक भी कराएंगे दोस्तों। तो बॉलिंग अगर फर्स्ट होता है तो ये बहुत वाइटल रोल रहेगा इस टीम का, सिलेक्शन इनका लेस है, इवन एरिक भी बहुत ही डिसेंट ऑप्शन। अब एक एक करके एनालिसिस करके समझते हैं इनके ओपोनेंट का। विकी सुखदेव अगर खेला तो प्रोबेबिलिटीज है वो ओपन करेंगे, उनके रिकॉर्ड बाद में आता हूँ, तो इनके विकी को शायद हम लोग उतना तवज्जो ना दे। इनका T20 इंटरनेशनल का एवरेज है 9 रन केवल, 22 मैच के बाद केवल 138 रन बनाया। ये जो रिकॉर्ड देख रहा है, देख रहे हो आप दोस्तों, डोमेस्टिक T20 रिसेंटली फॉर्म डिसेंट है, बट इंटरनेशनल रैंकिंग कुछ खास है नहीं। ऑस्कर मनीषुअमा, इन्होंने भी डोमेस्टिक T20 खेल के रखा है, फॉर्म कुछ खास है नहीं, इंटरनेशनल में 7 का एवरेज है, दोनों को हम लोग नहीं लेंगे अपने टीम में। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों जीन, यहाँ पे कहाँ गया बंदा, हाँ जीन बॉस्को,
तुईविज, इन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक में T20 जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें खेला था कुछ 33-34, 10-38, डोमेस्टिक में तो इनका भी 45-42 है, ये इंटरनेशनल में फ्लॉप हो रहा है तो जीन को भी नहीं लूँगा मैं, ट्राई करूँगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा टॉस रिपोर्ट, समझ लो पहले बार टॉस। टॉस में दो चीज़ हो सकता है, रवांडा बैटिंग फर्स्ट, रवांडा बॉलिंग फर्स्ट। अगर रवांडा ने बैटिंग फर्स्ट किया तो दोस्तों हमें वन साइडेड जो टीम है वो केनिया के फेवर में बनाना है। आपके पास केनिया के पास 5 बॉलर है तो 5 6 है तो 6 जाना है। ड्रीम 11 में दोस्तों 10-1 कम्बिनेशन भी आप जा सकते हो, बट अदर्स ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर रखना है, टॉप के एक दो बैट्समैन। अगर रवांडा ने बॉलिंग फर्स्ट किया तो इनके बॉलर्स प्ले में आएंगे, मैच इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है, प्ले में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि विनिंग करेंगे, बट प्ले में आएंगे बॉल फर्स्ट करने से ज़्यादा, क्योंकि वो 20 ओवर जब करेंगे कुछ ना कुछ विकेट वहाँ से निकाल के जरूर जाएंगे। और चेट ट्विसेंगे ने 35 T20I में, तो इसका एवरेज है 731 रन। डोमेस्टिक T20 में 18-78, 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट। T10 में 2 रन 2 विकेट। दोस्तों ये कौन सा टीम के लिए डोमेस्टिक T20 खेला था वो मैंने लिख दिया, जाके रिसर्च आप चाहो तो कर सकते हो, कितना सही रिकॉर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ कितना फेक करता हूँ वो आपको आप खुद भी रिसर्च करके मालूम चलेगा। और ये जानना चाहिए आपको भी, आप जिसको फॉलो कर रहे हो क्या वो फेक वीडियोस या फिर फेक स्टैट्स प्रोवाइड करता है, नहीं होता है दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो ऑर्चिड आपके लिए इस टीम का अगर बैटिंग फर्स्ट होता है एक अच्छा डिफरेंशियल पिक, समझ लो बात, अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करता है और 90 से 100 के बीच ऑल आउट होते हैं, ओपोनेंट ने बिना विकेट लूजिंग या फिर एक विकेट लूजिंग में चेस कर गया, उस कंडीशन में ये जो प्लेयर्स के मैं आपको बात कर रहा हूँ जिनका T20 का एवरेज डिसेंट है, इनका 10 से 20 रन का नॉक जो होगा ना वो आपको ड्रीम टीम में ग्रैंड लीग विन कराएगा, ड्रीम टीम बनाएगा, जरूर याद रखना। एरिक बॉलिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, बट चांसेस थोड़ी से कम है, एक और एरिक भी आपको मिलेंगे। 28 मैच 21 के एवरेज से 554 रन। डोमेस्टिक T20 में रिसेंटली एरिक ने कुछ खास बॉलिंग नहीं किया, तो फिलहाल हमारे लिए एरिक मस्ट पिक नहीं है, बट डेफिनेटली अगर रवांडा ने बैटिंग फर्स्ट कर गया तो दोस्तों आप एरिक को भी यूज़ कर सकते हो। मेरा एक सिंपल सा बात है दोस्तों, ये एरिक दूसी जामाना का बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, एक और एरिक मिलेगा, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट हुआ तो बॉलर को जगह आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट बॉलिंग फर्स्ट हुआ मैं प्रेफर करूंगा बॉलर के साथ जाओ, क्योंकि इनका टीम का जो बॉलिंग यूनिट है उतना बुरा नहीं है जितना इनका बैटिंग यूनिट है, ठीक है। एरिक का रिसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस डिसेंट है, क्लिंटन मस्ट पिक है बोथ कंडीशन, इस टीम का प्राइम ऑलराउंडर। 32 मैच में 274 रन, 11 का एवरेज से 72 ओवर में 29 विकेट T20 में। रिसेंट डोमेस्टिक T20 में 57, 1 विकेट 29, 1 विकेट 42, 0 विकेट 30, 2 विकेट। डोमेस्टिक T10 में 8 रन 1 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में थे दोस्तों। क्लिंटन मस्ट पिक होता है आपके लिए बोथ कंडीशन, अगर इस टीम से किसी को कैप्टन बनाना है तो ये होगा वो बंदा क्लिंटन, बट अगर बनाना है तो बॉल फर्स्ट बनाओ, बॉल सेकंड मत बनाओ, ठीक है। विल्सन नीतंगा 28 मैच में 302 रन बनाया, सिर्फ बैटिंग करेंगे, मैं फिलहाल इग्नोर करना पसंद करूंगा, मिड ऑर्डर के बैट्समैन है, ग्रैंड लीग में यूज करना है तो करो, बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट, मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा बॉलर से जाना ज्यादा सेफ पिक रहेगा। एमिले रुक्रीजा दोस्तों, इन्होंने डोमेस्टिक T20 में 1 विकेट 3 विकेट 19 रन फिर 3 विकेट ठीक ठाक बॉलिंग कराया। मार्टिन अकायेजू सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, 31 T20 में 208 रन 72 ओवर 29 विकेट, ये एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये दो बंदा है अकायेजू और दोस्तों यहाँ पे क्लिंटन, ये दोनों को बोथ कंडीशन में लेके चलना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ देखो ना बॉल फर्स्ट ग्रैंड लीग में कैपबीसी भी बना सकते हो गाइस। एरिक जो मैं बात कर रहा था एरिक का, 30 T20 में 10 विकेट निकाला 26 ओवर में, बट रिसेंटली T20 में इन्होंने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया है, किसका मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एरिक, ठीक है। तो आप अपनी टीम में एरिक को लेके चलो, रिसेंट फॉर्म इनका ज़्यादा बेटर रहा है और रिसेंटली ये ज़्यादातर मैच में बॉलिंग भी कराया है, ठीक है। एरिक कुबियामाना दोस्तों एक और प्लेयर है जो एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे इस टीम से, कौन दोस्तों, कुबियामाना, ठीक है। इन्होंने 9 मैच में 14 ओवर में 6 विकेट निकाला, डोमेस्टिक T20 में अच्छा खासा बॉलिंग कराया। इग्नेस नीतिंगाना जो भी नाम है इनको थोड़ा समझ लो, इग्नेस का 11 मैच 26 ओवर 7 विकेट T20 में, ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, स्पेशली देखो ना बॉल फर्स्ट जरूर ट्राई करना है तो कर सकते हो, रिसेंट डोमेस्टिक फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है। केविन एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, स्पेशली बॉल फर्स्ट तीसरा ऐसा प्लेयर जिसको आप ड्रॉप रोटेट नहीं करना चाहिए आपको, केविन इराकोजे 35 T20 में 119 ओवर, आपको 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, 47 विकेट है, 112 रन है इसके पास। डोमेस्टिक T20 फॉर्म डिसेंट है, बट मैं अपने टीम में मस्ट पिक करूंगा T20 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। जेपी
बीमेनियामाना को चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज करो। टी ट्वेंटी इंडिया में 27 मैच में 76 ओवर 22 विकेट। लेफ्ट आर्म चाइना मैन, मैं अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट करता है 4-5 बॉलर ले सकता हूँ, बट अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट करता है इनके ओपोनेंट के फेवर में मैं वन साइडेड टीम बना के जाऊंगा। इरा दुगुजंदा जीन मिशेल का कुछ ऐसा रिकॉर्ड चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज करो। केनिया जिनका इंटरनेशनल रैंकिंग 28 है कंपेयर टू दोस्तों इनका ओपोनेंट रवांडा 67 बहुत बेटर है, इनसे ओपन कराएंगे। कॉलिंस अबुआ सुखदेव सिंह के साथ वन डाउन ऋषभ पटेल रकी पटेल एलेक्स ओबांडा नेल्सन ओदियाम्बो विराज पटेल श्याम नेगुची ऐसा होगा इनका बैटिंग ऑर्डर। बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है इनका। सुखदेव विकी स्ट्रॉन्ग टीम से बिलोंग करेंगे तो विकी से पॉइंट्स प्लस ओपन करते हुए दिखेंगे तो सेफ विकी पिक है। 14 टी ट्वेंटी आई में 20 का विशेष 76 रन रिसेंट टी ट्वेंटी आई फॉर्म 18-31-5-26-42। कॉलिंस अबुआ टी ट्वेंटी में 52 मैच में 29 का एवरेज से 1111 रन 49 ओवर 25 विकेट। पार्ट टाइमर है, बॉलर ऑलराउंडर दिमाग से हटाओ, बट बैटिंग अच्छे करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, बैटिंग फर्स्ट हुआ ग्रैंड लीग में कैप बीसी बना सकते हो। टी ट्वेंटी आई इसमें लास्ट 5 इनिंग 74 डू नॉट बैट 18-37-44 डिसेंट है। एलेक्स ओवांडा ग्रैंड लीग में बॉल बैट फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, बट मुझे लगता है बैटिंग मिडल ऑर्डर करेंगे, अगर टॉप ऑर्डर में किया तो लेना, अदरवाइज ड्रॉप रोटेट कर सकते हो। ऋषभ पटेल एक अच्छे चॉइस, अगर सुखदेव नहीं खेला तो एक प्रोबेबिलिटीज है कि ऋषभ ओपन करेंगे जो आइडियल पोजीशन है इनका, तब ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। 24 मैच में 23 के एवरेज 405 रन। एक चीज़ क्या है कि ऋषभ कंप्लीटली हिट और मिस है, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, जरूर आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तंजील शेख 6 मैच 30 रन 4 ओवर विकेट लेस। नेल्सन ओदियाम्बो अभी बॉलिंग बहुत कम करते हैं, 36 मैच में 13 विकेट रिसेंटली 1 विकेट टी ट्वेंटी में 67 डू नॉट बैट 1 विकेट डू नॉट बॉल, कभी बैटिंग मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये मस्ट पिक नहीं बन सकता। रकीब पटेल 51 टी ट्वेंटी मैच में 936 रन 44 ओवर 16 विकेट। देखो पार्ट टाइमर है, क्लियर पार्ट टाइमर है, बट अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन बनेंगे रकीब पटेल। ऐसे भी दोस्तों इस टीम का अगर सबसे अच्छा बैट्समैन रकीब पटेल ही है तो बैटिंग फर्स्ट इनका इंपॉर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि ये टू डाउन बैटिंग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पे दोस्तों अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ ज़्यादा चांसेस मिलेंगे बैटिंग करने का, बैटिंग सेकंड में चांसेस कम है। सचिन बुधिया 15 T10 मैच टी ट्वेंटी आई इसमें 90 रन 12 ओवर में 1 विकेट, कैप्टनसी कराता है टीम का बट कोई रीज़न ही नहीं है इनको खेलने का। जी मुथुई का कुछ ऐसा रिकॉर्ड इग्नोर करेंगे, नगोची सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का, 57 मैच 14 का एवरेज से 299 रन, हार्ड हिटर नगोची ने 189 ओवर बॉल करते हुए 67 विकेट निकाला, बाय डिफॉल्ट पिक एंड वेरी सेफ कैप्टन। देखो एक से दो विकेट इनको ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैच में मिल जाता है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 17 रन 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, वेरी डिसेंट प्रोमिनेंट चॉइस शेम नगोची। लुकस एंडरसन जो भी नाम है इग्नोर कर सकते हो आप फिलहाल के लिए, बट टी ट्वेंटी आई में रिसेंटली 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 13 है। विराज पटेल करंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, मेरा मानना है कि कमाल का ग्रैंड लीग पिक रहेंगे एस कैप्टन वाइस कैप्टन विराज पटेल। 23 टी ट्वेंटी आई में 34 विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिन मेरा पसंदीदा है। शेम नगोची जो है ना बंदा सिर्फ बॉलिंग से आपको पॉइंट देगा इस मैच में, बैटिंग कर सकता है, बैटिंग फर्स्ट हुआ तो शायद बैटिंग मिल जाए, बैटिंग सेकंड में बैटिंग नहीं मिलेगा। सेम विराज पटेल भी है जिनको विकेट टेकिंग एबिलिटी नगोची से भी ज़्यादा बेटर है, तो कमाल का कैप्टन पिक रहेंगे। अगर टीम बॉलिंग कराता है 4 ओवर दोस्तों 1-2 विकेट मिल सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो विराज पटेल को। पीटर लंगत एक और विकेट टेकर ऑप्शन, टी टू इंडिया में 14 मैच में 19 विकेट है, केवल 25 ओवर डाल दो, रिसेंट फॉर्म टी टू इंडिया इसका 3-2-2-6 विकेट डू नॉट बॉल, कमाल का प्लेयर है पीटर लंगत, मट प्लीज मस्ट पिक है। इमैनुअल बुंडी एक और इंपॉर्टेंट, 27 मैच में 23 विकेट 70 ओवर डाल दो, रिसेंट टी टू इंडिया में ज़्यादातर मैच में विकेट लेस, बट सबको पता है इमैनुअल बुंडी कैपेबल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, जरूर ट्राई करना चाहिए। अपनी बॉलिंग लंगत इमैनुअल बुंडी शेम नगोची, डेथ में नगोची लंगत और इमैनुअल बुंडी करते हुए दिखेंगे। हेड दोस्तों हेड टू हेड मैच में परफॉर्मेंस देखोगे तो रुआंडा जब बैटिंग फर्स्ट किया था एक ही मैच खेला 87 पे 9 विकेट, चेस करते हुए केनिया 90 पे 1 विकेट। एरिक नियो ने दोस्तों 13 रन किया था और दोस्तों एक और बंदा है जो खेल नहीं रहा इनका मेन ऑलराउंडर, उसने 1 विकेट निकाला था। इधर से देखो केनिया से ऋषभ ने 45 ठोक दिया था ओपन करते हुए, कॉलिन ने 37 ठोक दिया था, ऑलमोस्ट मैच खत्म कर गया था। बॉलिंग से शेम नगोची 3 विकेट 2 विकेट, विराज पटेल जो मेरी टीम का डिफेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन पिक, स्पेशली देखो ना बैट फर्स्ट कॉलिन ओबा डिफेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बनेंगे। रकीब पटेल हमारे पास है जो बॉलिंग के साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाला था। फिलहाल के लिए गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का, इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ डेमो टीम हुआ शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल, जुड़ना है दोस्तों टेलीग्राम जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। चलते हैं सीधा हमारे ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों, फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन का टीम जहां पे मैंने कैप्टन बनाया शेम नगोची को, मैंने गाइस वाइस कैप्टन बनाया सी जो है ना क्लिंटन को वीसी बनाया, क्लिंटन बॉल फर्स्ट वाइस कैप्टन ठीक है, बॉल सेकंड हुआ वाइस कैप्टन मत बनाओ,
फिलहाल मैंने जो मैंने बताया ये टीम का तीन प्लेयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इनको मैंने रखा नॉर्मल फैंटेसी के रिस्पेक्ट में। ड्रीम इलेवन में मैं इनको ड्रॉप करूंगा और एक्स्ट्रा प्लेयर इस टीम से लूंगा। सुखराज है, कॉलिन है, ऋषभ अगर चलने लगा बड़ा चलेगा, रकीब पटेल है हमारे पास, इमैनुअल बुंडी, पी जो भी नाम है इनका, पीटर लेंगेट है इनका नाम, विराज पटेल नगोची कमाल का वाइस कैप्टन पिक रहेगा, विराज पटेल जरूर यूज कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल के लिए गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच के रिलेटेड। कुछ भी और अपडेट हुआ, डेमो टीम हुआ, शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल, जुड़ना है दोस्तों टेलीग्राम, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।